इन कछुओं के बच्चों को देख रहे हैं आप? इन्होंने अभी अभी धरती पर पैर रखा है। इनके सामने एक परीक्षा की घड़ी है। वह समुद्र की लहरों में जाकर वहां पर तैरना चाहते हैं, लेकिन अब इनमें से कुछ बच्चे ही चुने जाएंगे जो सबसे ज्यादा फुर्तीले और सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। वही बच्चे समुद्र की लहरों का आनंद उठा पाएंगे, बाकी के बच्चे शिकारियों के शिकार हो जाएंगे। यह नियति का तरीका है। ताकतवर को ही नियति के यहाँ जगह मिलती है, कमजोर की यहाँ कोई जगह नहीं। इस बात में कोई शक नहीं, यह पुराने जमाने के लोग बहुत ताकतवर हुआ करते थे, और यह बात भी सच है कि वह लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और हम सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। चाणक्य ने अपने एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा है कि रोटी से 10 गुना ज्यादा ऊर्जा आटे में होती है, आटे से 10 गुना ताकतवर दूध होता है, और दूध से 8 गुना ताकतवर मांसाहार होता है, और मांसाहार से 10 गुना ताकतवर घी होता है। आज की तारीख में यदि किसी इंसान को घी खाने के लिए दिया जाए तो वह 1 चम्मच से ज्यादा नहीं खा पाएगा, और यदि पुराने जमाने में देखा जाए तो उनका सबसे अच्छा खाना घी होता था। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वो जितना वजन लेकर रणभूमि में लड़ते थे, इतना वजन तो आज के 4 आदमी उठा भी नहीं पाएंगे। वह लोग इस दुनिया में सच में जिंदा थे और हम शायद जबरदस्ती जिंदा हैं। आज की बौद्ध कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इसकी बातों को दोस्तों आपको अपनी जिंदगी में उतारना होगा, तभी कहानी सुनाने का मकसद पूरा हो पाएगा। इस कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया दुनिया का सबसे बड़ा धनी हमारा स्वास्थ्य है। चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वह राजा इतना ताकतवर था, आसपास के 50 से ज्यादा राज्य उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि वहां के राजा और वहां की सेना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। राजा अपनी प्रजा के लिए काम करता था, प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज होती उसी चीज का फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, वह हर चीज का हुनर सीख चुका था, तलवारबाजी हो या भाले से खेलना हो या आग से खेलना हो, वह हर तरह की चालबाजी से संपूर्ण था। उसे जो भी चीज सिखाई जाती वह बहुत ही जल्दी सीख जाता। सब राज्य के लोग यही कहते हैं कि यही राजा का
उत्तराधिकारी बनेगा। और एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वह कुछ भी नहीं सीख पाया, न तलवारबाजी सीख पाया, न युद्ध की रणनीतियां सीख पाया। वह हमेशा से आलस्य में पड़ा रहता। राजा को यह बात बहुत ही तकलीफ देती। राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे ही खून है ना। राजा को पता था कि यह जो बच्चा कमजोर है, इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। उसी आश्रम में ले गए जहां पर उस राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हीं गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। यह कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मेरा दूसरा बेटा बहुत ही बड़ा पराक्रमी है और राज्य को आज भी संभाल सकता है, और यह हमेशा से मेरा चिंता का विषय बना है। मैं क्या करूं? क्या इसको भी अपने दूसरे पुत्र की तरह बड़ा बना दूं? मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। यह बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूँ राजा, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसको यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें यह पुत्र नहीं दिखेगा। इसकी जगह कोई और दिखेगा, जिस पर तुम शायद ही विश्वास कर पाओ, क्योंकि गुरुदेव बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे। वो उस पुत्र को देखकर यह समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वह आखिर एक राजा का खून था। बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहां पर अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद वह शिष्य उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गए, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वह गुरुदेव उस शिष्य से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर वह गुरुदेव कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जो सिखाने वाला हूँ, वह तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं तुझे यह एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। एक चील दिखाई देती है जिसने पंजे में अपना बच्चा पकड़ा हुआ था। वह ऊपर आकाश में जाती है, इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को चीर कर ऊपर चली जाती है, और वहां पर जाकर वह अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और वह शिष्य उस चील को ध्यान पूर्वक देख रहे थे।
वह चील अपने बच्चे को छोड़ देती है। उसका बच्चा पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। वह जब नीचे आने लगा तो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते हैं और वह एक गोल पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे वह नीचे गिरने वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है, और वह पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद वह माँ फिर उसको ऊपर लेकर जाती है, फिर उसको आकाश में ले जाकर वहीं से छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही थी तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ पर लेकर जाते हैं। उस पेड़ के पास उस चील का घोंसला था। उस घोंसले में उस शिष्य को दिखाते हैं, इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में उस चील का बच्चा रहता है, और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वह अपने कोमल बच्चे को इन फूलों के अंदर रख सकती है, लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर यह सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन जब यह कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी यह एक चील बन पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और वह चील आज यही कर रही है। वह चील अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही है। वह बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे पटक रही है ताकि वह उड़ना सीख सके। वह जिस चीज के लिए पैदा हुआ है, वह जहाँ पर पैदा हुआ है, वह अपनी माँ अपने बच्चे को सिखाना चाहती है, उसका एहसास कराना चाहती है। यदि वह किसी दूसरे पक्षी की योनि में पैदा हुआ होता तो उसे यह सब नहीं करना पड़ता। वह यदि फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का एक नियम होता है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब यह सब हुनर वह सीखेगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो, तुम भी जब यह हुनर नहीं सीख पाओगे तो एक दिन मारे जाओगे। यह देखकर शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे अब बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद वह गुरुदेव उस शिष्य को पकड़कर आश्रम में लेकर जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं, मैं तुझे कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तुमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो, तुम्हें इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता। और तुम्हें यदि बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें इन बातों का
हमेशा ध्यान रखना, पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना, और तुम एक इंसान हो इसलिए तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है, इससे ज़्यादा कभी मत सोना, और सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर होता है, जो एक राजा अपने हुनर सीखता है, वह तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सीखना है। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें योगा और प्राणायाम करना है। अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो, उससे भी ज़्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को भी स्वस्थ और अच्छा रखना, अपनी मानसिक शक्ति को भी इतना ही बढ़ाना, और यही मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर योगा करना, और यही तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएगी। और यदि तुम जिस दिन सुबह जल्दी नहीं उठते हो, तो एक तरीका अपनाना जिससे तुम सुबह बहुत जल्दी उठ पाओगे। जिस दिन यदि तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो, उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मरवा देना। यदि दूसरे दिन 20 मिनट लेट हो जाते हो, तो 2 कोड़े मरवा देना। देखना 4 या 5 दिन तुम उस समय उठोगे जिस समय तुम उठना चाहते हो। दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखना, भरपूर स्वस्थ खाना खाना। कभी भी ऐसी चीज मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। हमेशा तुम स्वस्थ खाना खाना, जैसे कि सब्जियां, फल, फ्रूट, दूध, दही, और यही होता है असली भोजन। हमेशा भोजन करना जीभ के स्वाद के लिए। तुम ऐसी चीज मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। अगली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें चिंता में डाल रही हो, तो वह अपने घर परिवार में कहना। कभी भी मन में छुपाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि वह बात तुम्हें कमजोर बना देगी, वह बात तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी, और चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसीलिए अपने मन में कभी भी कोई भी बात छुपाकर मत रखना। हर बात को अपने घर के, अपने परिवार से, अपने पिताजी से वह बात हमेशा कहते रहना। कोई भी बात अपने मन में छुपाकर मत रखना। अगली बात हमेशा सकारात्मक सोचना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। सबके जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है, सुख दुख आते रहते हैं। यह जिंदगी के एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बात जो ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो, तो उस बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो। राजा हमेशा मुस्कुराता होना चाहिए, तभी जनता मुस्कुराती है। इसलिए जब भी तुम जनता के बीच रहो या अपने घर के बीच, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना तुम मुस्कुराओगे, तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी, और इससे तुम्हारा शरीर
और ज़्यादा मजबूत बनेगा। और लास्ट बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वह है हमेशा दान पुण्य करते रहना। हमेशा कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना। तुमने सुना होगा पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे जो दान पुण्य में अपना राज पाट दे देते थे, क्योंकि वह जानते थे कि दान पुण्य ही सबसे बड़ा सिद्ध मौका है। दान पुण्य जरूरी नहीं कि पैसों से किया जाए, किसी की मदद करके भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। इसलिए कभी भी दान पुण्य से पीछे मत हटना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे मन में एक खुशी आती है और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत रहना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना दान पुण्य करोगे तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती जाएगी। उसके बाद वह शिष्य गुरु के चरणों में पढ़कर कहता है, गुरुदेव आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं इसको जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद वह शिष्य कहता है, गुरुदेव अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। उसके बाद गुरुदेव उसको जाने की आज्ञा दे देते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इसमें बताई गई बातों को यदि आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहोगे और हमारे कहानी सुनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। यदि आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।